आवश्यक सूचना। इस वीडियो में कुछ दिल दहलाने वाले दृश्य हैं, कृपया कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। हमारी सूचना के अनुसार इस वर्ष की यात्रा में 10 जुलाई तक करीब 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 लापता है। एक्सट्रीम रोड्स उनकी आस्था को शिरोधार्य कर सभी परिवार वाले जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं उसके प्रति संवेदना रखता है। भारत वर्ष में शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं शिव की परम ऊर्जा से शोभित है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे उच्च स्थान पर लेकर चलती हूँ जहाँ स्वयं शिव शंभू निवास करते हैं। जी हाँ, आप आज मेरे साथ करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और कठिन शिव यात्रा, जहाँ बिना महादेव की मर्जी के कोई नहीं जा सकता। कुछ भी आपको नहीं देखो, मौसम बिल्कुल खराब, और यहाँ देखो इसको भी क्रॉस करना है, इतनी तेज धारा बह रही है वो नीचे बहा करके ले जाएगी यार। आपके समाचार बहुत बारिश आ रहा है इधर। हाँ, बहुत बहुत बुरा है। कैसे देरी की आती है वो देखो भाई साहब, देखो दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस। जब ये सुनते हैं ना कि 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के बच्चे जो है वो डेथ कर गए। हेलो गाइस, दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और फिर एक बार एक एक्साइटमेंट भरा व्लॉग आपके लिए हाजिर है। महादेव ने पुकारा और हम चले आए। तो मैं आज यात्रा कर रही हूँ श्रीखंड महादेव की, पंच कैलाश में से कैलाश। तो हर हर महादेव का नाम लेते हैं और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाकी कैलाश मानसरोवर, मनी महेश, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, और आज हम यात्रा करने वाले हैं। अभी सावन का महीना शुरू हो चुका है और हमारी सवारी सुबह के 5 बजे दिल्ली से निकली है और आगे की ओर बढ़ी हुई है, आओ बम्पी राइड करते हुए। तो हम जा रहे हैं अभी श्रीखंड महादेव की ओर, जो यहाँ से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने करनाल में द ग्रेट खल्ली के यहाँ नाश्ता किया और फिर हम अपने पहले पड़ाव नारकंडा के लिए निकल पड़े, जो शिमला से करीब 60 किलोमीटर आगे है। आप रामपुर में भी स्टे ले सकते हैं या फिर सीधे श्रीखंड बेस कैंप हिमाचल प्रदेश के जाओ जा सकते हैं। परसों श्रीखंड महादेव का पहला दिन है और क्या उस दिन साफ होगा, होगा होगा। वेल दोस्तों, तो हम लोग नारकंडा आ चुके हैं और हम लोग मेन मार्केट में हैं। मैंने एक गेस्ट हाउस बुक किया है, कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहे हो? ओके गाइस, तो ये है नारकंडा मार्केट। जब हम लोग आए थे तभी संभव होटल ढूंढने के चक्कर में, लोकेशन हंटिंग करने के चक्कर में मैं बता नहीं पाई थी। ये बहुत ही छोटा मतलब मेन मार्केट है और आपको काफ़ी सारी होटलें मिल जाएंगी, देख रहे हैं काफ़ी सारी होटलें। चूँकि देवडांग महादेव से श्रीखंड के लिए आज्ञा लेनी होती है, जो नारकंडा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमने यही रुकना ठीक समझा। आज है 6 जुलाई, 7 जुलाई को श्रीखंड महादेव की यात्रा करनी है नारकंडा में। कल तो मौसम बहुत खराब था, लेकिन अभी देखिए धूप निकल आई है। कल भी ऐसा ही हो तो बढ़िया होगा। गेट ऑन। हाँ बिल्कुल। ओके, तो नारकंडा से हम निकल चुके हैं और यहाँ से जाऊँ विलेज 85 किलोमीटर है, लेकिन हमें बीच में हमारे महादेव से परमिशन लेनी है कि हमें श्रीखंड महादेव की यात्रा करने दे। तो हम 50 किलोमीटर पर रुक जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। वेल, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए लोकल से ज़रूर पूछ लेना आप कि देवदंग महादेव का मंदिर कहाँ पर है, जहाँ पर हमें पहले दर्शन करने हैं, उनकी परमिशन लेनी है। नहीं तो गूगल आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। कुछ ऐसा दिखाएगा, गूगल घुमा रहा है, गुल 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 गुल। हाइड्रो पावर का जहाँ पर है प्लांट, वहाँ से ऊपर की ओर आप आते हैं, फिर दो रूट निकलेंगे, उस दो रूट में आपको अगेन ऊपर की ओर जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर ये बोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे ये बोर्ड है अगेन दो रूट होंगे, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है, वॉकिंग भी कर सकते हैं, अगर कार है तो कार भी जाती है। देखिए यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग मतलब यहाँ पे उतनी स्पेस है कि आप रिवर्स ले सकते हैं और यू टर्न लेके वापस जा सकते हैं। देवडांग, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि हमारी आराधना को श्रीखंड तक पहुंचाने का काम यहां से ही होता है। कहते हैं जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ा, तब भगवान अंतर ध्यान होकर यही तप करने आए थे और बाद में वह श्रीखंड के रूप में ऊपर प्रकट हुए।
लोकल से ऐसा सुनने में मिला कि जब यहाँ की गुफा में आरती के दौरान ज्यादा धुआं होता है तो ऊपर श्रीखंड महादेव में वह निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। हर हर महादेव, जय भोले बाबा की। अब मैं श्रीखंड महादेव के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अचानक एनर्जी भी आ गई। तब देव डांग महादेव के दर्शन तो हो चुके, अब हमें पूरी तरीके से परमिशन मिल चुकी है कि हम श्रीखंड महादेव के दर्शन भी करेंगे और खुश खुशहाल लौट के आएंगे। बारिश पुरजोर हो रही है और मौसम तुरंत पलट गया है। मैं अभी यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का काम कर रही हूँ ताकि जो है हम इस ट्रैफिक को हैंडल कर सकें। बस अभी लास्ट की तीन गाड़ियाँ हैं, ये तीन गाड़ियाँ चली जाएंगी तो हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे। हाँ शंभू। हेलो गाइस, तो पहुँच चुके हैं हम लोग जाम विलेज। जाम विलेज बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत है। और हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत इशू है तो पेड पार्किंग यहाँ मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए नीचे ही पार्क किया है। हमें 800 रुपये 1000 रुपये में भी मिल रहा था रूम, लेकिन वो थोड़े आगे की तरफ था, वहाँ से हमारा ट्रैकिंग पॉइंट ज़्यादा नज़दीक हो जाता क्योंकि हमें जाम विलेज से हम लोगों को 3 किलोमीटर का सिंगार तक ट्रैक करना है, उसके वहाँ तक जाती नहीं है कार। ओके फाइन, तो हम लोगों ने यहीं पर गेस्ट हाउस ले लिया है, मतलब होम स्टे है। आप देख रहे हो कुछ ऐसा है, दिखा देती हूँ इसका व्यू। यहाँ से देखिए व्यू कुछ ऐसा है। हम लोग है 3rd फ्लोर पे और मेरा रूम भी दिखा देती हूँ। काफ़ी नीट है कंपेयर टू जो हमने इसके पहले देखा था। यहाँ पे 4 बेड शेयरिंग भी है और 2 बेड शेयरिंग भी है। ये मेरा रूम है, आप देखिए इस तरीके का है। वेल, तो ये हमारे रूम का चार्ज हुआ है 2000 रुपीज़ बेसिकली, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई 2000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1500 में हो पाएगा। जाम विलेज पहुंचने के लिए आपको दिल्ली के ISBT से HRTC की बस लेकर रामपुर आना होगा, जो सामान्यतः 16 घंटे का समय लेती है और इसका किराया लगभग 900 रुपये है। फिर आप रामपुर से दूसरी बस लेकर जाम आ सकते हैं। आज हम हैं अभी जाम विलेज में और जाम विलेज जो है पड़ता है निर्मन डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से करीबन यात्रा कह तो रहे हैं कि 45 किलोमीटर की है, जैसे मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे, इन्फॉर्मेशन है गूगल पे व्हाटएवर, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें खुद GPS ट्रैकिंग करना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट मैपिंग अभी तक किसी ने भी नहीं दी है, तो हम आज वो आपको एग्जैक्ट मैपिंग देंगे। तो फिलहाल हम जाम विलेज में है, वो है 1900 मीटर पर, तो चलते हैं यात्रा की शुरुआत करते हैं। जहाँ विलेज में ही आपको एक भंडारा मिल जाएगा तो वहाँ पे आप अपना भोजन कर सकते हैं, तो यहाँ पर विशाल भंडारा है। श्रीखंड यात्रा को दुनिया का सबसे कठिन यात्रा माना जाता है, जो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण आपका पूरी तरीके से फिट होना बहुत जरूरी है। यहाँ आने से पहले गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ शूज, गर्म मोजे, ऊनी टोपी, जैकेट, ग्लव्स और सबसे जरूरी अच्छी क्वालिटी का रेनकोट 4000 mm से ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ 2 बजे के बाद हमेशा बारिश होती है। चूंकि यह यात्रा 4 से 5 दिनों की है तो 20,000 mAh का पावर बैंक जरूरी साथ रखें, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक के पाउच भी ले लें जिसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। जाम विलेज का जो बस स्टैंड है ना, वहाँ से अराउंड 600 मीटर आगे भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए होम स्टे है। वेल, कई लोग ये भी करते हैं कि आगे की तरफ आ जाते हैं और फिर यहाँ पे कार पार्क आप कर सकते हैं। जाओ से सिंगार तक का करीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है, वो आप तय कर सकते हैं और फिर दूसरी सुबह आप निकल सकते हैं, या उसी दिन थोड़ा आगे तक निकलना है तो भी निकल सकते हैं। आज है 7 जुलाई और श्रीखंड महादेव की यात्रा आज ही से प्रारंभ होती है। जैसे आप लोगों को पता है, मैं पहला ही दिन करती हूँ। ये यात्रा कठिन है तो उस कठिन परिस्थिति को मात देने वाले लोग भी हैं। देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं और जहाँ तक मेरा अंदाजा है करीबन 1000 के आसपास लोग आ चुके हैं। खूबसूरत बात यह है कि यहाँ से हम एप्पल ऑर्चर्ड से ही गुजर रहे हैं, कितना मजेदार है ना। सबसे मज़ेदार बात ये है कि इन लाइक
पूरी ग्रीनरी है इन खूबसूरत वादियों में। हाँ, अगर आप देखेंगे और वो मिट्टी का घर है। हाँ, एक सपने की तरह ही लग रहा है। यात्रा की मंगलमय कामना लेकर के और प्लास्टिक रास्ते में ना फैलाने का प्रण लेते हुए मैं ये यात्रा प्रारंभ करती हूँ। फिर एक बार हम सिंघाड़ पर पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पे हमारा चेकअप होगा और उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो पहुँच चुके हैं हम सिंघाड़। सिंघाड़ है 2000 मीटर, तो हम लोग करीबन 100 मीटर ही ऊपर की ओर आए हैं और यहाँ पर मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी बजे हैं 8:23, मतलब हम लोग को अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा और 23 मिनट लगा आने में। मेडिकल सर्टिफिकेट हमें मिल गया है और ब्लड प्रेशर चेक किया था। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, और 250 रुपये उसकी फ़ीस होती है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का कार्ड मिलेगा जिसमें आपको डिटेल भी दी गई है कि कितने किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, यहाँ पर लंगर लगा हुआ है गाइस। तो मस्त हींग की पूरियाँ हैं और छोले है। आप जाँ विलेज से भी अपना पोर्टर बुक कर सकते हैं और आप सिंघाड़ में भी अपना पोर्टर बुक कर सकते हैं। हम लोगों ने पोर्टर बुक किया है, ही टुक पर हेड, कोई 1500 बोलता है, कोई 1200-1300, और हमने 1000 में बुक किया है पर डे का। तो लेट्स गो फॉर इट। और हमारे साथी हैं, आपका नाम? राजेंद्र राजू। आज हमारा ट्रैक 12 किलोमीटर का सिंघाड़ से होने वाला है थाचरू तक का, और बीच में कुछ ब्रेक्स होंगे, तब मैं बताते जाऊंगी हम कितने एल्टीट्यूड तक पहुंचे हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है ना सामने, जो बहाव है खूबसूरत, वो बहाव आ रहा है श्रीखंड महादेव की ओर से और एक जगह से, और वो दो नाले, ये नाला है, ये नदी नहीं है, दो नाले मिल करके इसे कहते हैं कृपान रेवलेट। वाव, ये आइकॉनिक प्लेस है। जब आप सिंघाड़ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस जगह को याद करना और मुझे प्यार देते रहना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। गरजती हुई कृपान कितनी भयावह लग रही है, लेकिन उसी के साथ साथ इसकी जो गूंज है ना, वो आपको कह रही है कि आगे बढ़ो, आप पहुंच जाओगे अपने महादेव तक। जैसे कि कई लोग कहते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा 35 किलोमीटर की है, लेकिन मेरे रिसर्च के अनुसार यह यात्रा 25 से 26 किलोमीटर की है, जिसके चार मुख्य स्थान हैं: थाचरू, काली टॉप, भीमद्वार और पार्वती बाग, जिसके बारे में आगे बताऊंगी। ओके फाइन दोस्तों, तो अभी डांडीधारी यात्रा हमारी शुरू हो रही है, मतलब सीधा ये डंडा दिख रहा है उसी की तरह 75 डिग्री स्टीप है ये क्लाइंब, और इसका मजा अलग होने वाला है। यहाँ है हमारे साथी, हमारे सब्सक्राइबर भी है, आपका नाम बताएं? राम होले जी हैं, और इन्होंने पांचों कैलाश करने की ठान ली। आज श्रीखंड कैलाश होते ही इनके 5 कैलाश पूरे हैं। इतना शीतल पानी, क्या बताऊं। जैसे ही हम स्टीप क्लाइम चढ़ते हैं फिर आ जाता है भंडारा। यहाँ पे भी आपको भंडारा मिलेगा। तो भोले की फौज कर रही है मौज विद दिस चाय एट भंडारा। कुछ नहीं, आपको अपने ग्लास, अपनी थाली खुद धोनी है, क्योंकि ये लोग खाना खिला रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एकदम संकरे हैं एक्चुअली, कैमरे में पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन हार्डली हाफ फिट है। यात्रा हो गई बाबा, बढ़िया दर्शन हुआ। हर हर महादेव बाबा, हम भोले बाबा, हम भोले। कालांतर में भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से ही ऐसा वर मांग लिया कि वह जिसके सर पर अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। एक दिन उसने उसकी परीक्षा भगवान पर ही करने की सोच ली और शिव जी के पीछे लग गया, लेकिन भगवान अपने वरदान का मान रखते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर भस्मासुर को स्वयं के सिर पर हाथ रखने को
प्रेरित किया और वह भस्म हो गया। बाद में भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और भस्म के आलिंगन स्वरूप इसका नाम श्रीखंड महादेव पड़ा। निश्चिंत रहिए, ये पूरी यात्रा बहुत ही सुखमय होने वाली है। वैसे झांव विलेज माता कात्यायनी के नाम से माना जाता है और ये मंदिर जो है माता कात्यायनी का है, लेकिन ये करीबन झांव विलेज से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है, भारती नाला पर, जहाँ पर हम लोग हैं। एक्चुअल शुरुआत दांडीधारी की यहाँ से है, मतलब जो हमने पहले किया वो सिर्फ प्रैक्टिस थी, अब एक्चुअल दांडीधारी शुरू होगी। 2134 मीटर पे इस समय है भारती नाला पे और इस समय 11:34 हुए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर पहुँचे हैं सिंघा। यहाँ पे तो लिखा है कि 2300 मीटर, लेकिन एक्चुअली 2300 मीटर पे ये नहीं है और इसको बोलते हैं बराहटी नाला और यहाँ से ही डंडा की धार लगती है, मतलब चढ़ाई जो है वो डंडा रूपी खड़ी चढ़ाई है और बराहटी से कुछ ही दूरी पे खुम्बा द्वार स्थल है, यह कुछ घड़ी हेतु विश्राम स्थान है और अगला स्थान थाटी भील आता है और थाटी भील जय का नाम कई देवताओं की गढ़ाई प्रक्रिया में भी आता है और ये चढ़ाई शुरू। एक्चुअली ये चढ़ाई लगती तो नहीं है, कैमरे में दिखती नहीं है, लेकिन देखिए कितनी खतरनाक है, सीधा ऊपर चढ़ना है और स्लिपरी है पत्थर बारिश होने के कारण। ये नीचे देखिए वैशाली जी आ रही हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है, लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है कि आप अगर आराम से शांति से चलोगे ना तो कुछ नहीं होगा, हड़बड़ाओगे अगर पीछे वालों को आगे जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रेस नहीं लगी हुई है। जाओ बस स्टैंड से हम लोग 7.5 किलोमीटर तय कर चुके हैं अभी तक, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस समय हम लोग का एल्टीट्यूड है, ये हमने ले लिया है अभी कटनी। यस, हम लोग ने सोचा 2 खीरे तो पेट में डाल लेते हैं और एक्स्ट्रा लंगर तो होते ही है, 80 रुपीज़ फॉर 2 खीरा। वी हैव टू कवर 1200 हर महादेव, हर हर का एलिवेशन, हर हर महादेव। यहाँ पे गुलकोंडी भरी जा रही है, थोड़ी एनर्जी और फिर ऊपर की ओर। जितना लोगों ने डराया था, पर डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा सफर है। सभी को यही बात बोलेंगे कि एक बार जरूर करें, बाकी बोले बाबा बैठे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले देख रहा चढ़ाई वैसी है, एकदम स्टीप डांडीधार। दोस्तों इस खूबसूरती को वर्ड्स का नाम दे करके मैं इसे जो है ना छोटा नहीं करना चाहती हूँ। आप देखिए, ये दिख रहा है जो विलेज, हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 2650 मीटर और वो 1900 मीटर था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 750 मीटर का एलिवेशन तय किया है। भाई हम लोग झांव विलेज से यहाँ तक सिर्फ 8.3 किलोमीटर तय किया है, लेकिन अभी हम लोग हैं कुंभा में। रीज़न बिहाइंड कि हम लोग भारती नाला से करीबन समझ लो कि 2.3 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं, लेकिन ये बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, बहुत स्टीप, और अभी बारिश होना शुरू हो गई है। अभी बजे हैं कितने, 2:45 की, अब बारिश हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा चाय वाय हो जाए। चेस। कुंभा पहुँचते ही जोरों की बारिश होने लगी और हम सभी ने अपने अपने रेनकोट पहनने शुरू कर दिए। रास्ता दुर्गम था और मंजिल बहुत दूर। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम लोगों ने 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिता दिया है और वो इसलिए बीता बिकॉज वैशाली जी के जूते का लेस कुछ में कुछ गड़बड़ हो गया। इतनी जबरदस्त चढ़ाई है एकदम, और बारिश तो और भी गंदा कर देती है मामला। हमारी लाख कोशिश के बावजूद माउथ रेस्पिरेटरी से लेकर ऑक्सीजन तक कुछ काम नहीं आ रहा था, यह लड़का अवचेतन अवस्था में ही पड़ा था। 2 घंटे बीतने के बाद भी कोई रेस्क्यू करने नहीं आया, फिर 3-4 पोर्टर के द्वारा कुंभा में इसे पहुंचाया गया। वेल दोस्तों एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, एक मतलब बहुत ही यंग लड़का है और महादेव का भक्त है,
उन्होंने पहले भी ट्रैक किया है, लेकिन अचानक से उन्हें शायद सीजर हो गया और अनकॉन्शियस हो गए। ऐसा नहीं था कि कहीं नीचे गिर गए, और वहीं पे गिर गए वो अनकॉन्शियस होके। और फिर पिछले 2 घंटे से हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसे कॉन्शियस करवाने का, लेकिन वो हो नहीं रहा था। पूरी मालिश वालिश सब कुछ की। यहाँ पे रेस्क्यू टीम का भी ऐसा है कि यू वोंट गेट द रेस्क्यू टीम इन अ वे जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। ये चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है ये, और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन अभी बारिश नहीं है। बारिश शुरू हुई थी। नीचे वैशाली जी हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं आप लोगों के लिए। किस तरीके से वो लड़का बेचारा गिर गया, और ऊपर 4 लोग और गिर गए हैं। और पुलिस वाले ने बताया कि 4 डेड बॉडीज़ कल नीचे गई थी। तो यार हम लोग यात्रा आप लोगों को दिखाते हैं इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि यात्रा आपके लायक है या नहीं है, या उसकी कठिनाई क्या है, या उसके चैलेंजेस क्या हैं। और जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरीके का है, ये है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं है। हाथ देना पड़ेगा। जब भी हम लोग नीचे से ऑलमोस्ट 200 मीटर के आसपास ऊपर आए होंगे, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा है, काफ़ी बड़ा सा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ है, इधर भी बड़ा सा टेंट है। ठीक है ना, स्टे अगर आप थक जाते हैं तो ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, ये ट्रैक एक्चुअली कोशिश करने वाला नहीं। हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर आए हैं। मन में मैंने एक चीज़ बिठा ली है, क्योंकि ट्रैक पूरा करना है वो दूसरी बात है, और लेकिन जो जो इमोशन जुड़े ना उस व्यक्ति के साथ, सच बताऊँ मुझे ऐसे लगता है दिल से कि वो ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। और ये देखो हैरी पॉटर, वो भी ऑरेंज कलर में। और ये हमारे जो है पोटर साहब हैं, बहुत अच्छा लड़का है ये, राजू नाम है इनका। भाई साहब इस व्यू को मिस नहीं किया सकता है। ये देखिए वहाँ से वैशाली चढ़ाई कर रही हैं, और ये शानदार व्यू है। और वो जो दिख रहे हैं आप नीचे, वो नीचे है, इसके नीचे जाओ विलेज जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और इस समय तक हम लोगों ने 2900 मीटर का एलिवेशन तय कर लिया है। ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर आने के बाद भी ये वैशाली और हमारी चढ़ाई जो है वहाँ होनी है, वो उधर डायरेक्ट बिल्कुल खड़ी है। कहीं कहीं पे इस तरीके से एरो भी बने हुए हैं जो रास्ता बताने में सहायक है। कोई भी जो मोड़ है ना वो आसान नहीं है। इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ हम लोग अभी 30 बीद पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट लगे हैं, वैशाली वहाँ पे खड़ी है, और यहाँ पे आप आराम भी कर सकते हैं अगर आप थाचूर तक नहीं जाना चाहते हैं तो। बच चुका है अभी 7:36, हम लोग अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए हैं। देखिए वैशाली भी चढ़ रही है, और लोग पता नहीं, लोग कह तो रहे हैं कि थाचूर में बहुत भीड़ है, बहुत लोग ऊपर चढ़े हैं, पता नहीं टेंट का क्या पोजीशन है, वो देखना पड़ेगा। अभी भी थचरू करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, और रात के अंधेरे में बारिश के साथ ट्रैक करना कठिन होता जा रहा था। जंगल घना था, हमारे जूतों में कीचड़ सना जा रहा था, लेकिन यहाँ रुकना मना था। 1900 से 2400 मीटर की यात्रा हमने पूरी की जाओ विलेज से लेकर के हम पहुंच गए हैं थचरू, और थचरू में यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, काफी सारे टेंट्स मिल जाते हैं। मतलब बेस्ट ये होता है कि आप थाचरू तक पहुंच जाइए, लेकिन अगर रात हो जाती है तो प्लीज़ हमारी तरह मत करना, आप ट्रैक करके मत आना, बिकॉज जब डे इतना मतलब ख़तरनाक हो सकता है तो रात बहुत ख़तरनाक होती है, तो इसीलिए अवॉइड कमिंग इन द नाइट। एक तो भूख भी बहुत लगी थी, ऊपर से इतना डिलीशियस चावल दाल कढ़ी है, और थोड़ा लेट आते तो ख़त्म हो जाता। ओके गाइस, तो सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग हैं थाचरू में। कल रात मतलब इतना लेट हो गया था कि क्या बताऊँ, फिर भी हमने आपको बताया जहाँ तक हम बता सकते थे। टेंट अभी मैं बताऊँगी जिसमें हम रुके, यही सारे टेंट हैं जहाँ पे आपको कंबल मिल जाएंगे, और 200 रुपये पर हेड होता है, और यहाँ पर लंगर है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का भी हमारा क्लाइंब बेसिकली भीम द्वार तक है। लेट्स सी कि मतलब पार्वती बाग तक जाने की इच्छा थी, लेकिन पार्वती बाग तक एंट्री नहीं मिल सकती क्योंकि भीम द्वार से आपको 2 बजे से पहले निकलना होता है, तो हो सकता है भीम द्वार तक हम पहुँचे, और करीबन 9 किलोमीटर का रास्ता हमें आज तय करना है। तो हम लोगों ने जाँ विलेज से, अब मैं एग्जैक्ट बताती हूँ कि जाँ विलेज बस स्टैंड से लेकर के आपको थाचरू तक
12 किलोमीटर होते हैं। जी दोस्तों, दो हिंग वाली कचौड़ियाँ हैं और उसके साथ खीर। छाछरू में आपको पहला मेडिकल कैंप दिखेगा और यहाँ पे थोड़ी सी कैजुअल्टी भी हो जाती है। कल ही हमारे सामने कैजुअल्टी हो गई, अभी पता चला ही इज़ नो मोर। इट्स नॉट दैट इजी। दांडीदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और ऊपर की ओर जाना है। लेकिन 700 मीटर हम थाचरू से ऊपर की ओर आए हैं और यहाँ तक में दियोदार ट्री की लाइन ख़त्म हो जाती है, वेजिटेशन रहता है, फ्लावर्स भी दिखाई देंगे, वैली ऑफ फ्लावर वाला फील भी आएगा। सो लेट्स सी हमें आगे क्या क्या खूबसूरती दिखाई देगी। और यहाँ से बेसिकली पूरा फॉगी है, लेकिन श्रीखंड महादेव जी के दर्शन यहाँ से हो सकते हैं। इस तरफ है ना, बापरे, हमें वहाँ जाना है, मतलब यहाँ से चढ़ना है वहाँ जाना है। 1 किलोमीटर का पहला पड़ा पूरा क्लाउड, हमसे नीचे और हम लोग क्लाउड से ऊपर। काली टॉप दिखाई तो दे रहा है, शायद वही होना चाहिए, बहुत ऊपर, वो उसके ऊपर है। मैंने कहा था ना आगे चलेंगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स वाला फील आएगा। सी लोग चढ़े जा रहे हैं, अब तो ऊपर का दृश्य भी नहीं दिख रहा है, वो एक बंदा सबसे ऊपर है। वैशाली मैम देखिए वहाँ से आ रही हैं और बारिश यार बहुत तेज हो चुकी है, मुझे देखो एंड आई हेट बारिश। 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया है उन्होंने थाचू से और यहाँ पे दो ही टेंट है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, पूरा फुल हो चुका है। और हम फिर अब कोशिश करें आगे की ओर जाने की, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप देखिए कैसा है, तुरंत हम लोग एक डिफरेंट ही लैंडस्केप में आ गए। लोगों ने कुछ टेंट भी लगा रखे हैं, मौसम देख लीजिए बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज हो चली थी इसलिए काली टॉप से 100 मीटर पहले हमने एक टेंट में किसी तरह से शरण ली। यहाँ हम लोगों ने कॉफी और सैंडविच खाया और फिर निकल पड़े महादेव की राह। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8:15 बजे से थाचू से चढ़ाई शुरू की थी, यहाँ पे मोर देन 1 आवर हम लोगों ने बिता दिया। मौसम बहुत ख़राब है, उंगलियाँ ठंडी पड़ रही है, लफ्स भी नहीं बांध सकते, पूरी भीग जाएगी, जूता भीग चुका है, सॉक्स पूरी तरीके से भीग चुका है, मेरा जूता तो वाटरप्रूफ था फिर भी किसी काम का नहीं है। काली टॉप पे पहुँच चुके हैं, यही काली माता का मंदिर है। ये हार्डली 1.6 किलोमीटर का ही ट्रैक है थाचरू से। ये है काली मैया, काली माता को प्रणाम। मेरा जो वॉच है वो एल्टीट्यूड बता रहा है 37.10। बारिश होने के कारण एक्चुअली हो ही रहा है कि थोड़ा वॉकिंग स्लो हो रही है, रास्ते स्लिपरी हैं और चूँकि जो है पथरीला रास्ता है तो बहुत ध्यान देकर चलना है। तो काली टॉप से हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। काली टॉप से एक्चुअली डांडी धार की जो चढ़ाई होती है वो खत्म हो जाती है। ओके गाइस, तो ये अभी श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और इनके थ्रू हमें आशीर्वाद तो मिल ही गया है। कितने दिन का आपका हुआ, मतलब कब निकले थे? 4th दिन है आज। आज 4th दिन? हाँ जी, 5 तारीख। कहाँ रुके थे आप? हम पहले दिन रुके थाचरू, हाँ। दूसरे दिन रुके पार्वतीवाग। अच्छा, तीसरे दिन ऊपर। अच्छा, ऊपर गए श्रीखंड महादेव के दर्शन हो गए। कल वापसी भीमद्वारी में। अच्छा, आज लौट, आज रुकेंगे जाओ में, शायद आज घर तो नहीं पहुँच पाएंगे। मौसम ठीक हो तो थोड़ा ड्रोन भी उड़ाए कि थोड़ा सा जो है लोगों को लुक भी नजर आए। कितनी स्टीप जो है इंक्लिनेशन है, एकदम स्टीप आप नीचे की तरफ आते हैं, जिस तरीके से काली टॉप पे आप 70 डिग्री पे चढ़ते हैं, काली टॉप से सीधा नीचे की तरफ आते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा, ऐसा पूरा पत्थर है ये। अभी बारिश के कारण बहुत स्लिपरी हो रहा है। वैशाली ऑरेंज कलर में आ रही हैं, और क्लोज करता हूँ ये देखिए, और क्लोज करता हूँ ये देखिए, और अब एकदम दूर कर देता हूँ। ये नज़ारे देखिए, टेंट से लगे हैं, कितना खूबसूरत और वर्जिन नेचर है यार, वाह। और हम वहाँ से आ रहे हैं चोटी से,
ऊपर से। यही सब मजा है इस ट्रैक का, आनंद लेते जाइए, कॉशियस रहिए, जोश में नहीं आइए। एक जगह पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा जल्दी चलने लगी। तो इस समय हम लोगों ने थाचू से 3.636 किलोमीटर कवर कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं भीमतलई। भीमतलई में आप देख रहे हो ये एक छोटा सा पॉन्ड है, एक्चुअली ये झरने से पानी आ रहा है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर नीचे की ओर जा रहा है। इसे भीमतलई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पांडव स्नान करते थे, मतलब कहा जाता है कि भीम ने ये पॉन्ड जो है वो अपने स्नान के लिए चूज किया था और यहीं पर स्नान करते थे। और अपने कहते हैं ऐसा कि अज्ञातवास में यहीं पर रहे थे। हम लोग हैं अभी 3447 मीटर पर और यही एल्टीट्यूड भीमतलई का है। आगे चल के मैं फिर अपडेट करूंगी आपको। यहाँ भीमतलई पर भंडारा चल रहा है तो दाल है, कड़ी है, गरम गरम चाय। बोले काली घाट की चढ़ाई है जो ऊपर में काली माँ का एक टेंपल है, वहाँ से सीधे नीचे, स्ट्रेट नीचे यहाँ पे, और ये है भीमतलई। इतनी कठिन यात्रा पे खाली पैर भी चले आते हैं। गजब का खूबसूरत झरना। ये जो एफर्ट ले रही है ना आप लोगों के लिए, सल्यूट करना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहला ग्लेशियर, वैसे पहले उस तरफ से भी दिखाई दिया था, पहाड़ों पे तो दिख ही रहा है, लेकिन जो हमारे नज़दीक में है वो पहला ग्लेशियर आया है। एक्साइटमेंट भी है और दिल के अंदर धक धक भी हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर हर जगह से टूट रहा है। देखो हर जगह से ग्लेशियर्स टूट रहे हैं। भीमतलई के बाद यह पहला ग्लेशियर मुझे मिला जो भारी बारिश के कारण टूट रहा था। मेरे पांव फिसल रहे थे और मेरी एक गलती मुझ पर भारी पड़ सकती थी। शिव तक पहुंचने के लिए सिर्फ आस्था ही काफ़ी नहीं है, आपके पास धैर्य का होना भी अनिवार्य है। यहाँ लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं और पूरा जो प्रकृति की जो खूबसूरती है ना वो ख़त्म कर देते हैं। 3:40 और ये हम कुंसा में आ चुके हैं। बारिश बहुत हो रही है, अचानक से एकदम मतलब तूफानी बारिश शुरू हो गई है, हवा इतनी चल रही है, मेरे हाथ पैर भी ठंडे हो रहे थे और हमें ऐसे लगा कि जो हमने कल मिस्टेक की थी वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। 5.22 किलोमीटर हम लोगों ने अभी तय किया है। कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ेगा एक फीमेल ट्रैक पे जा रही है तो, देर आर सर्टन थिंग्स ऑलवेज कैरी योर पैंटी लाइनर्स, सेकेंड की टिशू पेपर्स ज़रूर आप लेकर के चलें क्योंकि टॉयलेट की समस्या हो जाती है, चेंज करने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपका प्राइवेट टेंट नहीं है, आप अगर ग्रुप टेंट में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको ये है कि आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी करूँगी यहाँ, लेकिन मुझे कंबल के अंदर करना पड़ेगा। देखिए बेसिक है लेकिन आपको कंबल मिल जाएंगे। मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ये देखो कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। देखो तो यहीं टेंट में हम लोग खाना खा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाने की। और ये भाई साहब थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक खाना लेके आ रहे हो। क्या नाम है भाई जी आपका? अक्षर। अक्षर, हाँ बढ़िया नाम है। और दाल मिलेगी ना? और हमारी तरह काफी सारे लोग हैं तो पूरी हर हर महादेव। भाई साहब आज है 9 तारीख और बारिश भयंकर हो रही है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अभी मैं बाथरूम की तरफ जा रहा हूँ। कुंसा से आगे जाने नहीं दे रहे हैं, ये कुंसा वैली है। धीमे ठंड भी लग रही है, मैंने तो अंदर कुछ भी नहीं पहन कर रखा हुआ है, ये सिर्फ बरसाती पहन लिया है क्योंकि मेरा सारा सामान और वैशाली का सारा सामान भीग चुका है। कुंसा में इस तरीके का आपको बाथरूम भी मिल जाएगा, लेकिन ऊपर से 50 मीटर के आसपास नीचे है, रास्ता बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ख़तरनाक है। देखिए लोग वापस लौट रहे हैं। भाई तो सुन चुके होंगे दिव्या से भी, मेरा जूता कैसे सूखेगा भाई, ये नहीं सूखेगा।
यहाँ पे अगर ऐसे रख देते जो खाना बनते समय या इधर शाम को रखा जा सकता है। ये कब जलेगा? ये शाम को जलेगा। ये हमारा राजू भी बहुत साथ दे रहा है हमें, और अभी हम कुंसा में ही हैं, डॉन से तो सुन ही चुके होंगे। और इशू ये है कि आगे यात्रा बंद कर दी गई है, मतलब दो दिन तक यात्रा बंद है, आज कल सोमवार था, हमने सोचा कि कल भी हमारे हो जाते दर्शन, हम भीमद्वार तक पहुंच जाते। भीमद्वार यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर है, और उसके बाद पार्वती बाग है करीबन कितना 4 किलोमीटर, पार्वती बाग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये देखिए, ये सारे लोग जो हैं वो लौट रहे हैं। इसका भी अलग मजा है कि आप टेंट के अंदर खाना बनते हुए देख रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। ये ग्लेशियर जो है, हम जहाँ पे हैं कुंचा, वहाँ से भीमदौरी तक जाने के लिए, और देखिए लोग कैसे जा रहे हैं। अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस है। पार्वती बाग से लौट रहे हैं। अच्छा, ये ग्लेशियर ना यहाँ तक रहा हमारे, देखते देखते गिरा। ये कहाँ पे एग्जैक्टली? ये भीमदौरी से क्रॉस करके पार्वती बाग से वापिस आ रहे हैं। अच्छा, पार्वती बाग से भीमद्वारी की तरफ आ रहे हैं लोग। ओके, ये ग्लेशियर पहले ऐसे था, हाँ। और फिर अब टूट गया है, जो अभी आपने पहले बताया। ओके, हमारे आलू प्याज के पराठे आ गए, बाकी भी बन रहे हैं, और गर्मा गर्म है, बड़ा मजेदार है। अनऑफिशियली और हम लोग 1 तारीख को ये ट्रैक करते ना, तो आराम से हो जाता है। दूसरा दिन ट्रैक का तीसरा दिन, अभी बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, खाते हैं हम मैगी, यही ऑप्शन दिया है इन्होंने। मिस नहीं कर सकती हूँ आपको बताने से, और तो हम लोग आगे की तरफ जाना बहुत रिस्की है, लेकिन कम से कम कुंसा में हूँ तो यहाँ की ब्यूटी आपको दिखा सकती हूँ, जो जितना खूबसूरत दिख रहा है। एक ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि ये यात्रा वो लोग ना करें जो फिज़िकली फिट नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे भले लोग जो है ना, उनके मतलब उनकी हालत ख़राब हो जा रही है। अभी तक में हमने कल की जो डेथ का नंबर है, न्यूज़ ने भी बताया, ऑफिशियल नंबर है 5 डेथ हुई हैं और 3 से 4 लोग लापता है। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ जो आए थे, हम लोग बेसिकली चले तो हैं, सब लोग साथ ही में, थाचरू से हम लोग, मैंने थाचरू से हम लोग शायद या सिंगार से मिले थे, बीच में मिलते रहे, और काली टॉप पे हमारी थोड़ी ज़्यादा बातचीत हुई और बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मौसम थोड़ा खुल गया है तो थोड़ा सा आनंद भी आ रहा है। देखो, ये है कुंसा का टेंट, और हमारे महादेव कुछ इन पहाड़ियों के पीछे बसे हैं, श्रीखंड महादेव। और इस समय जो दृश्य है ना बॉस, वो आपको देख दिखाने के लिए मैं आया हूँ। इस समय आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस समय जो टाइम हो रहे हैं वो 7:48 के आसपास हो रहा है, और बॉस दृश्य देखो आप, मज़ेदार है, जस्ट इंजॉय, बहुत सुंदर। और अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये है भीम तलाई, जहाँ कभी भीम ने स्नान किया था ऐसा माना जाता है, और वो है काली टॉप, जहाँ पे काली माता का मंदिर भी है छोटा सा, और वहाँ पे टेंट वगैरह भी लगे पड़े हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग। श्रीखंड महादेव के लिए हमें कुंसा से भीमद्वार होते हुए पार्वती बाग जाना होगा, जो करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर मुझे 3 बजे सुबह उठकर अगर मौसम ठीक रहा तो श्रीखंड महादेव की तरफ निकल सकते हैं, जो 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, वह भी ग्लेशियर के ऊपर। चावल, काले चने और चावल। बारिश भी शुरू हो गई यारो। ये देखिए, सारे सारे हमारा ग्रुप है। ओके गाइस, तो बारिश अभी भी हो रही है और कुछ अंदेशा नहीं लग रहा है। हाँ, लेती हूँ। और यहाँ पे सारे हमारे मतलब देखिए, त्रिशूल यहाँ पर है, आप देख रहे हो, त्रिशूल यहाँ पर रखा हुआ है, और मैं चाह रही थी कि ये त्रिशूल जब लगे तब हम देख सकें, लेकिन मैंने इन भाइयों को बोला है कि जब आप लगाओगे ना त्रिशूल तो प्लीज़ मुझे फुटेज भेज देना, तो अगर को कल परसों जब भी खुलेगा त्रिशूल, जब भी लग जाएगा, उस वक्त का भी मैं फुटेज इसमें डालने की कोशिश करूँगी, और प्लीज़ मुझे भेज देना। ओके, जय शिव शंकर, बाय बाय एवरीवन।
ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव। कुंसा से वापस जा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं मतलब एंड तक नहीं जा पाई, पर मैं दर्शन जरूर कराऊंगी आपको, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा स्लैब्स जो हैं वो गिर रहे हैं आगे की तरफ, जो अभी लोग वापस आ रहे हैं, जैसे देख रहे हैं आप ये लोग सब वापस आ रहे हैं। भाई ये मामला पूरा डेंजरस हो चुका है, पूरा डेंजरस मामला हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग इसी ग्लेशियर को पार करके के पहुँचे थे कुंसा वैली, और देखिए इस समय हालत उसकी क्या है, वो वहीं से ब्रेक हो गया है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, इवन बैक हम लोग हो रहे हैं फिर भी बहुत प्रॉब्लम है। देखिए करीब से देखिए, यहाँ से ग्लेशियर पूरी तरीके से टूट चुका है और अब शायद 2-3 दिनों में ये रास्ता भी ना बचे पार करने के लिए। देखो भाई इस डिफिकल्टी को पार करना, ग्लेशियर टूट चुका है, वैशाली जा रही है, इट इज़ वेरी टफ टू इवन स्टैंड ऑन द ग्लेशियर, कभी भी ग्लेशियर टूट सकता है। आप देखो पूरा स्लिप कर रहा है यार, थोड़ा और आगे लो। हमारा अगर राजू नहीं होता तो ये हम पार नहीं कर सकते थे, बहुत ही डरावना है। अरे भाई जितना यार वीडियो बाद में इसको पार करना, ओनली सी कैन डू दिस। देखो यारो श्रीखंड महादेव की ये यात्रा किस तरीके से की जाती है, ग्लेशियर ध्वस्त हो चुका है, ये पूरा देखो ग्लेशियर ध्वस्त हो चुका है, किसी तरीके से वहां से जान पर खेल करके लोग आ रहे हैं, प्रवाह झड़ने की बहुत तेज है, और ये देखिए आपकी प्यारी वैशाली किस तरीके से चांद पर खेल करके रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही है। देखो ये आपकी प्यारी यूट्यूबर किस तरीके से जान पर खेल करके वहाँ से यहाँ पहुँची है, और ये हमारा राजू है, ही इज़ फ्रॉम नेपाल, और बहुत मेहनत किया है भाई, इसने बहुत मेहनत किया है भाई। अब ये कैसे पार होगी, बाप रे बाप स्लो है भाई साहब, सीधा नीचे यार बहुत टफ है। कैसे डेडी की जाती है वो देखो भाई साहब, देखो दिस इज कॉल्ड कैरेट कैरेट। जय भोले शंकर। ये देखो मौसम कैसा है, बहुत खराब, हालत तो देख ही रहे हो, फोर्स देखो फोर्स, की पड़ियों के अजब कारनामे देखने के लिए रेडी हो जाओ, कारनामा नंबर 1 झरना क्रॉस, देखो भाई साहब मजाक अलग है, और वो फोर्स देखो फोर्स बह करके सीधा नीचे, कोई उपाय नहीं है भाई साहब, और देखो कोई रेस्क्यू टीम नहीं है यहाँ पे। हम लोग आगे अभी भीम तलाई पर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था फ्रॉम कुंसा से, पर बहुत ही खतरनाक रहा, कितने सारे झरने जो नहीं थे पहले वो भी बहुत वेग में हो गए, और जो ग्लेशियर वाला था उसने तो मतलब मुझे सच में सारे देव याद दिला दिए, एक को छोड़ के इंद्र को। पिछले कल ही वो लड़का आया है यहाँ
जो महादेव का 17 घंटे रहा ऊपर। अच्छा, अभी पंजाब फिरोजपुर साइड का अभी तो ऊपर 17 घंटे, जहाँ बस 17 मिनट निकालने में उसको 17 घंटे रहा वहाँ पे। एक उसके साथ कोई कुत्ता भी है, अभी जो अपने आप खुद तारा था यहाँ पर शाम को, कुत्ता उसके साथ चला गया होगा। कुत्ता उसके साथ, महादेव ही चले गए होंगे। और दूसरे दिन किसी यात्री ने उसको 17 ऊपर जब दर्शन करने गया, अच्छा, तो यात्रियों ने उसको नीचे निकाला। जानपुर खेलना हो गया ना, मैं सही में मतलब आई डोंट नो, आप तो बोल रहे हो, मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती मैं वापस आऊँगी। नहीं नहीं, तुमको वापस आना है नेक्स्ट जून। जब ये सुनते हैं ना कि 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के बच्चे जो है वो डेथ कर गए, और वो भी कुछ लोग, कोई रीज़न नहीं है वैसे, घबराहट में है या जो भी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि सिक्योरिटी और चाहिए। पार्वती बाग के यहाँ पे NDRF है, बाकी कोई जगह पे कोई सिक्योरिटी कहीं नहीं है। जो समझ लो ये रास्ते ऐसे हैं जो हमने पार करे ना, हमने दूसरा जीवन पाया है। मेरे हिसाब से जो भी है, जिन जो भी यात्री आए हैं, सब परेशान हैं। अभी खाजू पहुंच गए हम लोग, रिटर्न जर्नी फ्रॉम तुलसा। और अभी कितने बजे डॉन? अभी बजे हैं 1:30। मेरा बॉडी का पैर लोड ही नहीं ले पा रहा है। लोग अभी बराती नाला क्रॉस कर रहे हैं और यहीं पर कंफ्लुएंस है, एक श्रीखंड महादेव से डायरेक्ट आता है नाला और दूसरा मुझे पता नहीं है, पता करके इसमें मेंशन कर दूँगा। 11:15 बजे हुए हैं, हम लोग सिंगार से आ रहे हैं और जाँव की तरफ जा रहे हैं। कहीं पे लाइट नहीं है, सिर्फ लंगर वाले जो है ना उनकी थोड़ी बहुत लाइट है, बाकी कहीं लाइट नहीं है। यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई हुई है और पानी का बहाव देखिए, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और हम वही लैंडस्लाइड क्रॉस करके आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए पानी है, पूरा बहाव है नाले का। हम लोग इस ब्रिज से आए हैं और जो नीचे नाला है इसके नीचे बह रहा है, और जो रास्ते से हम लोग गए थे ना वो बंद हो चुका है, पूरा का पूरा नाला वहाँ से बह रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी जाँव विलेज, लेकिन यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है। सारे के सारे रूम्स जो हैं वो फुल है, रीज़न बिहाइंड कि हम लोग जब सिंघार से जाँव की तरफ आ रहे थे तो 3 लैंडस्लाइड्स हुई हुई है बहुत भयंकर वाली, और यहाँ जाँव में जहाँ पर हम लोग पहले रुके हुए थे जस्ट वहीं पे मेरी कार पार्क्ड है, यहीं पर है, लेकिन अब चाबी भी जो लेकर के गए हैं वो अपने गांव लेके चले गए हैं। और दूसरा कि अभी बजे हैं कितने, 12:30, 12:10 हुई है, टाइम का भी नहीं समझ में आ रहा है, 12:10 हुई है और इसके आगे रोड में लैंडस्लाइड हो गया, जस्ट इसके आगे, यहाँ टेम्पो दिख रहा है बस उसके आगे, तो मतलब हम लोग कार लेकर के भी कहीं नहीं जा सकते। अब यहाँ पे एक भंडारा लगा हुआ है और वहीं पे अब डेरा डालने का प्लान है। हम लोग कार लेकर के निकल सकते थे कल रात को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है तो कार तो जा ही नहीं सकती है, तो जैसे देख रहे हो आप आया पूरा रोड क्लोज्ड है। अभी JCB आएगी तब काम होगा। शंकर महादेव।